कोरोना की सेकेंड वेव में काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, ज़्यादातर उनमें से ठीक हो गए हैं, कुछ के साथ ट्रेजडी भी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुए हैं। ऐसे पेशेंट्स में अभी भी रूटीन एक्टिविटी, डेली लिविंग एक्टिविटी, उनका नहाना धोना, खाना, कपड़े पहनना, चलने फिरने में भी किसी न किसी की फैमिली मेम्बर की सहायता की जरूरत पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद भी आईसीयू से वेंटी से नहीं हट पाए हैं, वो नॉन कोविड आईसीयू में अभी भी स्टे कर रहे हैं। ये कोरोना का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, मेडिसिन का, लॉन्ग टर्म स्टे, न्यूट्रिशन का, कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ज़्यादातर ये उन लोगों में देखने में आया है जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट की दिक्कत, स्ट्रोक या नर्व मसल की ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है। इस तरह के मरीजों का ठीक नहीं होना वो है वो लॉस ऑफ वर्किंग डेज, प्रॉपर समय पे काम पे नहीं लौट पाना। हेल्थ केयर सिस्टम पे भी ये बर्डन हो सकता है क्योंकि मरीजों का लॉन्ग स्टे रह रहा है, आईसीयू ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी रह रही हैं, और केयर गिवर पे भी ये बर्डन बना हुआ है। पर्टिकुलरली जो मरीज कोरोना नेगेटिव होने के बहुत लंबे समय बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनमें देखने में आ रहा है कि नर्व मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे पेशेंट यदि पहले के कंपेयर में नीचे बैठ के उठने में दिक्कत, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत, हाथ से बटन लगाने में, रोटी तोड़ने में, गर्दन को संभालने में, इवन दो बिस्तर पे हाथ पैर उठाने में, करवट लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसे जो मरीज हैं वो कोरोना में नेगेटिव हुए हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद भी वो अपना रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, उनको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। कुछ विशेष जांचों से, कुछ मेडिसिन से, रिहैब से, न्यूट्रिशन से उन मरीजों को अर्ली और कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रयास किया जा सकता है। तो मेरा आज का संदेश रहेगा कि कोरोना के वो मरीज जो काफ़ी लंबे समय पहले ही नेगेटिव हो गए हैं लेकिन अभी भी वो अपना पूर्णतया काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनको अपने काम के लिए घर पे रूटीन एक्टिविटी के लिए भी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, उनको नर्व मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, ऐसे प्रॉब्लम को जल्दी एड्रेस करके मरीज को कंप्लीट और अर्ली ठीक होने में उनकी हेल्प की जा सकती है।